गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद जांच के लिए उसका सैंपल ले लिया गया है। यह बच्ची खुजली से परेशान थी और इसके शरीर पर रैसेस भी पड़ रहे थे। आपको बता दें कि उस बच्ची को स्वास्थ्य संबंधी दूसरी कोई समस्या नहीं है। बच्ची के शरीर से लिए गए सैंपल की जांच पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं, जहां से 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आएगी। तो वहीं डॉक्टर ने बच्ची को होम आइसोलेशन में रखने की हिदायत दी है। उसके शरीर में दिख रहे ये लक्षण किसी अन्य बीमारी के भी हो सकते हैं, मगर सतर्कता बरतते हुए जाँच की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर वेद व्रत सिंह ने बताया है कि गाजियाबाद में 2 बच्चों में खुजली की परेशानी के कारण शरीर पर रैसेस की समस्या देखी गई थी। दोनों बच्चे भाई बहन थे। रैसेस पड़ने पर परिजन बच्चों को दिखाने के लिए एक नज़दीक के प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचे, जो कि आँख नाक और गले का एक्सपर्ट था। उसने बच्ची के शरीर पर मंकी पॉक्स के लक्षण बता दिए। फिलहाल बच्ची के सैंपल कलेक्ट करके जाँच के लिए पुणे भेज दिए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पैनिक होने की कोई बात नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों से बीते 21 दिनों के भीतर लौटकर आए लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर वह दूसरे देश में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं और उनमें इस रोग के लक्षण हैं, तो उन्हें तत्काल आइसोलेट करा दिया जाएगा। ऐसे लोगों के सैंपल जाँच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे भेजे जाएंगे। संचारी रोग विभाग की ओर से वृहस्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।